भारतीय टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी दो वनडे मैचों में टीम से बाहर होने के बाद टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करके सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो के साथ जडेजा ने आपत्तिजनक बात कही है। उन्होंने आपत्तिजनक पोस्ट में लिखा, रात का सफर बेहद अच्छा रहा, आप इस बात का अंदाजा मेरी पुलिस रिपोर्ट से लगा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले तीन वनडे मैचों में रविंद्र जडेजा का चयन नहीं हुआ था, लेकिन आखिरी मौके पर अक्षर पटेल को टखने में चोट लगने के कारण उनके स्थान पर उन्हें टीम में शामिल किया गया। हालांकि कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल के शानदार प्रदर्शन के कारण उन्हें इन तीन एक दिवसीय मैचों में मैदान में खेलने का मौका नहीं मिला। तीन मैचों के बाद भारतीय टीम का चयन आखिरी दो मैचों के लिए किया गया, उसमें अक्षर पटेल ने चोट के बाद वापसी करते हुए टीम में जगह बनाई और इस कारण रविंद्र जडेजा को वनडे टीम से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। वनडे टीम से बाहर होने के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर यह आपत्तिजनक पोस्ट डाली। रविंद्र जडेजा इस तरह की नकारात्मक और आपत्तिजनक पोस्ट पहले भी कर चुके हैं। उन्होंने इस सीरीज में न चुने जाने पर ट्वीट पर BCCI की चुटकी लेते हुए लिखा, तुम हारिक जडेजा वापसी से ज्यादा टीम में तुम्हारा स्थान पक्का होना सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है। इस ट्वीट के जरिए जडेजा का साफ तौर पर कहना है कि वह एक अनुभवी खिलाड़ी हैं जिनको टीम में वापसी करने की जरूरत नहीं बल्कि उनकी टीम में जगह मजबूती के साथ पक्की है। इस ट्वीट को बाद चारों तरफ से मिले नकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण जडेजा ने अपने ट्विटर हैंडल से इस ट्वीट को हटा दिया था, लेकिन BCCI के प्रति इस तरह के व्यवहार को लेकर उन्हें भविष्य में अपने करियर को लेकर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।